तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आरएसएस के कार्यकर्ता मोदी जी के साथ भी वैसे व्यवहार करेंगे जैसा इस फ्रांस के नागरिक के साथ किया, इस कलाकार के साथ किया है? और एक बात कहना चाहता हूँ मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। जब मैं मोदी को फेकू बोलूंगा तो मुझे उसकी छूट होगी। नरेंद्र मोदी जी को प्यार कौन कौन करता है जरा हाथ उठा के बताओ, और उनसे बहुत प्यार कौन कौन करता है? देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को। पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में जो भी कुछ हुआ उसमें कपिल मिश्रा का नाम काफी चर्चा में रहा। कपिल मिश्रा भाजपा के नेता हैं। मिश्रा शुरुआत में आम आदमी पार्टी के सदस्य थे। वे 2015 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के टिकट पर करवाल नगर से दिल्ली विधानसभा के लिए चुने भी गए थे। जब वे आप में थे तब वे अपने भाषणों में मोदी सरकार की कड़ी आलोचना करते थे। कपिल मिश्रा ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी द्वारा उर्दू में किए ट्वीट पर काफी आलोचना की थी। तो क्या आरएसएस की शाखाओं में आजकल ऐसा ही हिंदू धर्म सिखाया जा रहा है जो उर्दू को देख के डर जाए, भड़क जाए, तोड़फोड़ पे उतर आए? इसका जवाब मिलना बहुत जरूरी है। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, नरेंद्र मोदी जी ट्वीट कर रहे हैं आजकल उर्दू में। पिछले 2-3 दिन में अगर आपने देखा होगा उन्होंने उर्दू में बहुत सारी ट्वीट की है और दुनिया भर में इसकी प्रशंसा भी हो रही है। इस्लाम की तारीफ में भी बहुत कुछ उन्होंने कहा है, मिलीजुली संस्कृति के बारे में भी कहा है। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, क्या आरएसएस के कार्यकर्ता मोदी जी के साथ भी वैसे व्यवहार करेंगे जैसा इस फ्रांस के नागरिक के साथ किया, इस कलाकार के साथ किया है? क्या उनके साथ भी इसी तरह की भाषा, इसी तरह की धक्का मुक्की की जाएगी क्योंकि वो भी आजकल उर्दू लिख रहे हैं? ये एक बड़ा सवाल मैं पूछना चाहता हूँ। और तीसरी चीज मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई सोचता है कि वो दिल्ली की संस्कृति को बर्बाद कर देगा, दिल्ली में ऐसा माहौल पैदा कर देगा, तो वो गलतफहमी में है। दिल्ली के लोगों ने हमेशा ऐसी ताकतों को उनकी सही जगह दिखाई है। दिल्ली की गंगा जमनी जो तहजीब है उसको दिल्ली के लोगों ने ही मिलकर बसाया है। दिल्ली की पुरानी दिल्ली का वो इलाका भी है जहां ईद और दिवाली एक साथ मनाई जाती है। दिल्ली में फूल वालों की सैर भी होती है जहां पर हिंदू और मुसलमान एक साथ त्यौहार मनाते हैं, जहां फूल वालों की सैर भी होती है, योग माया के मंदिर में पूजा भी एक साथ होती है। तो दिल्ली को शायद वो समझ नहीं पाए हैं, हिंदू धर्म को नहीं समझ पाए हैं। तो उन लोगों से भी मैं ये निवेदन करता हूं कि दिल्ली को समझ लें, हिंदुस्तान की संस्कृति के साथ ऐसा मजाक ना करें। एक सभा में कपिल मिश्रा ने अनुपम खेर की मौजूदगी में पीएम मोदी के बारे में बोलते हुए अपशब्दों का इस्तेमाल भी किया था। हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के सामने बहनचोद नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। पापा कोई मैनिफेस्टो लेके थोड़ी आए थे। पापा ने यह थोड़ी कहा था कि पड़ोस का गुंडा तेरे को मारेगा, एक थप्पड़ मारेगा तो मैं उसे 10 थप्पड़ मारूंगा, उसके बाद पड़ोस के गुंडे के साथ चाशनी थोड़ी खा रहे हैं मेरे पापा। अगर खाते पड़ोस के घर में जाके केक तो अपने बाप को भी कॉवर्ड बोलता। अगर मेरे पापा कहते बेटा तेरी स्कूल की फीस बाद में दूंगा, पहले मेरे साथ सेल्फी खिंचा ले, तो मैं कहता भैया तुम साइकोपैथ हो, कोई प्रॉब्लम है तुम में। और एक बात कहना चाहता हूं मैं, भैया मन की बात एक ही आदमी कर सकता है क्या? इस देश में हम सब कर सकते हैं अपने अपने मन की बात। हमें छूट मिलनी चाहिए मन की बात करने की। मैं अपने ट्विटर पे क्या लिखूंगा, फेसबुक पे क्या लिखूंगा, ये नेता थोड़ी बताएंगे। संसद में बैठ के कानून बना दिया, कानून होना चाहिए। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं, ये हिंदुस्तान, ये भारत का देश, इसकी धर्म और संस्कृति के ठेकेदार जो बने हुए हैं ना, उनको कुछ नहीं पता हमारे धर्म के बारे में। मैं ये बात कहना चाहता हूं, बड़े खुल के कहना चाहता हूँ, हिंदुस्तान का यंग पॉलिटिशियन हूँ, आम आदमी पार्टी है, मेरे नेता को तो तुम शाही भी फेंक दो, गाली भी दे दो, पत्थर भी मार दो, कोई तुम्हारे घर पे पत्थर मारने नहीं जाता, आप केजरीवाल को खुजलीवाल बोलो, दिन में 10 बार खुजलीवाल बोलो, खांसी वाला बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन जब मैं मोदी को फेकू बोलूंगा, जब मैं राहुल को पप्पू बोलूंगा, तो मुझे उसकी छूट होगी। इतना ही नहीं, दिल्ली विधानसभा में कपिल मिश्रा ने पीएम मोदी पर काफी गंभीर इल्जाम भी लगाए थे। भारतीय जनता पार्टी को एक चेतावनी देना चाहता हूँ, अपनी घटिया राजनीति के लिए पंजाब की बहन और बेटियों को बदनाम करने की कोशिश ना करें भारतीय जनता पार्टी, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे हम। अगर ये सोचते हैं कि पूरे के पूरे पंजाब को बदनाम कर देंगे, पंजाब के कार्यकर्ताओं को, पंजाब की महिलाओं को, पंजाब की बेटियों को, ये हो गया वो हो गया, यहां स्कैंडल हो रहा है, देश नहीं माफ करेगा और पंजाब नहीं माफ करेगा। इस एफिडेविट को देखिए आप, ये प्रदीप शर्मा नाम के आईएएस अधिकारी हैं। एफिडेविट में लिखा है, चीफ मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी विजिटेड कच्छ टू इनॉग्रेट द हिल गार्डन प्रोजेक्ट एंड अपॉन इट्स कंप्लीशन
इट वॉज द टाइम वेन ही वॉज इंट्रोड्यूस टू एन आर्किटेक्ट, उसका नाम मैं यहां नहीं लूंगा, लेकिन उस महिला से एक हिल गार्डन प्रोजेक्ट के पूरा होने के समय परिचय होता है। शरद उत्सव अक्टूबर 2005 में नरेंद्र मोदी जी उनके साथ ईमेल पे बात करनी शुरू करते हैं और उसके बाद उनको उनके घर पे मिलने के लिए बुलाया जाता है मुख्यमंत्री महोदय के, और शरद उत्सव के अगले दिन सुबह 7 बजे, फॉलोइंग मॉर्निंग एट द साइट ऑफ शरद उत्सव एट अप्रोक्सीमेटली 7 AM, द पेटिशनर वॉज इन द प्रेजेंस ऑफ श्री मोदी व्हेन मिस अराइव्ड एंड द कन्वर्सेशन बिटवीन देम अश्योर्ड द पेटिशनर दैट श्री मोदी एंड मिस वर इन फैक्ट एक्सचेंजिंग पर्सनल टेक्स्ट मैसेजेस, ईमेल्स एंड और डायरेक्ट कन्वर्सेशन। बहुत जोर शोर से प्राइवेट कन्वर्सेशन के बारे में विजेंद्र गुप्ता बोल रहे थे, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पेटिशन में लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को एफिडेविट देके लिखा गया है, मोदी जी मुख्यमंत्री होते हुए अपनी मीटिंग छोड़ के बाहर निकल जाते थे इस महिला से अकेले में बात करने के लिए। इसके बाद कपिल मिश्रा ने अपनी ही पार्टी के प्रमुख नेता अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार करने के आरोप लगाने के कारण इन्हें आम आदमी पार्टी से निकाल दिया गया। आपसे निष्कासन के बाद कपिल मिश्रा 17 अगस्त 2019 को औपचारिक रूप से भाजपा में शामिल हो गए। बीजेपी में जाते ही उन्होंने कड़े तेवर अपनाने शुरू कर दिए और पीएम मोदी की काफी तारीफ भी करने लगे, जिनकी वे कुछ समय पहले तक काफी कड़ी आलोचना कर रहे थे। नरेंद्र मोदी जी को प्यार कौन कौन करता है जरा हाथ उठा के बताओ, और उनसे बहुत प्यार कौन कौन करता है, और उनसे बेइंतहा मोहब्बत कौन कौन करता है। तो जिससे प्यार करते हो उसने अगर तुमसे कुछ मांगा है तो दोगे कि नहीं दोगे? तो क्या मांगा है मोदी जी ने आपसे, क्या मांगा है, क्या मांगा है? तो देंगे ना मोदी जी के नाम पे, देंगे ना। जब मैंने यहाँ पे योजनाओं के बारे में सुना, केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में सुना, तो मैं आपको एक बात कह सकता हूँ कि दिल्ली में रहते हुए भी आप लोगों से, झारखंड के निवासियों से मन में एक जलन का भाव पैदा हुआ, एक ईर्ष्या का भाव पैदा हुआ। क्यों भला? आपके यहाँ आयुष्मान भारत योजना है? है, हाथ उठा के बताइए, है? दिल्ली में नहीं है कि शायद अभी आपको उसका एहसास नहीं होगा, लेकिन जहां पर भाजपा की सरकार नहीं होती वहां की जनता को इस दर्द का एहसास होता है कि कितनी मुश्किल होती है जब वहां के मुख्यमंत्री खड़े होकर पाकिस्तानियों की जुबान बोलने लग जाते हैं। अभी संसद में हमने पिछले 2 दिन में अमित शाह जी को किस किसने सुना है, किस किसने सुना है? तो हिंदुस्तान की बात कौन कर रहा था? भारतीय जनता पार्टी कर रही थी। और बाकी किसकी बात कर रहे थे? जोर से बोलिए, किसकी कर रहे थे? तो हिंदुस्तान वाली सरकार चाहिए या पाकिस्तान वाली, कौन सी चाहिए? दिल्ली चुनावों में एक सभा में कपिल मिश्रा ने जनता से विपक्ष के खिलाफ देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को वाले नारे भी लगवाए। शब्दों का जो दिखाया है, मैं एक बात से अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ, ओवैसी को जवाब देकर अपनी बात शुरू करना चाहता हूँ। एक नारा अपने दिल से जो आपके मन से निकले वो आप बोलना, मैं अपनी आधी बात बोलूंगा, पूरी आपको करनी है। देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, देश देश के गद्दारों को, देश के गद्दारों को, अरे देश के गद्दारों को, अरे देश के गद्दारों को। ओवैसी, तेरे को हम साला नहीं बना रहे अपना, रिश्ते में हम तेरे क्या लगते हैं ये वक्त आने पे समझा देंगे। 5 मिनट के अंदर पुलिस को देखा, और जो जिंदगी में कहते थे कि राष्ट्रगान नहीं गाएंगे वो तिरंगा झंडा लेके राष्ट्रगान गा रहे हैं खड़े होके। मैंने कहा भाई अभी तो तूने राष्ट्रगान गाया है, अभी तो तेरे से भारत माता की जय भी बुलवाएंगे और वंदे मातरम भी बुलवाएंगे। इतना ही नहीं, कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर ये भी कहा था कि 8 फरवरी को दिल्ली में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होने वाला है। इस पर चुनाव आयोग ने कपिल मिश्रा पर बैन भी लगाया था। दिल्ली दंगों से पहले कपिल मिश्रा ने DCP की मौजूदगी में धमकी भरे अंदाज में हिंसा रुकवाने को कहा था। दिल्ली
गाड़ी में आग लगी रहे, ये यही चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने रास्ते बंद किए, इसीलिए दंगे जैसा माहौल बना रहे हैं। हमारी तरफ से एक भी पत्थर नहीं चला है, सीसीपी साहब हमारे सामने खड़े हैं। मैं आप सबके बिहाफ पे ये बात कह रहा हूँ, ट्रंप के जाने तक तो हम शांति से जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे अगर रास्ते खाली नहीं हुए तो। ठीक है, आज जब तक रास्ता खाली करवा रहे ट्रंप के जाने तक आप जाफराबाद और चांदबाग खाली करवा लीजिए, ऐसी आपसे विनती कर रहे हैं। उसके बाद हमें रोड पे आना पड़ेगा। ठीक है, भारत माता की जय। कपिल मिश्रा पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। विपक्ष लगातार कपिल मिश्रा और अन्य लोगों जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिए उन पर केस दर्ज करने की मांग कर रहा है। देखना ये होगा कि सरकार या दिल्ली पुलिस इस पर क्या फैसला लेती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।